गुंडियां हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने दिनेश जुलानी के नाम राम मौजूद है। जुलाना के वार्ड नंबर 5 में आज जुलाना में संत श्रोमणी संत रविदास महासभा के द्वारा आज बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को सम्मानित किया गया और एक और निर्धारित किया गया कि जो जुलाना में बच्चे सबसे ज़्यादा अंक लेकर आएंगे उनको संत श्रोमणी रविदास महासभा के द्वारा हर वर्ष सम्मानित किया जाएगा। और आज केक काटकर बड़ी धूमधाम से बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन जुलाना में मनाया गया। के लिए गए थे कि हम आज बाबा साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो इनकी धर्मपत्नी की तरफ से ये आवाज आई कि हम अपनी नेक नुमाई से बाबा साहब के जन्म दिवस पर ये केक का आयोजन करेंगे। इसके साथ संस्था की तरफ से जो भी प्रसाद वितरण होगा मैं आमंत्रित करता हूँ पंजाब जी को और आपकी धर्मपत्नी को, वो आकर के बाबा साहब का केक का आयोजन करेगा। सब किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज ये बाबा साहब का 31वां जन्म दिवस पर समाज की तरफ से जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनको इसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा, ताकि आने वाली ये पीढ़ी हमारी आगे चल करके बाबा साहब का इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहें। आज तकरीबन यहाँ पर 150-200 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जो अपनी कक्षा में अव्वल नंबर लेकर के और आगे अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आगे बढ़ें और इसी प्रकार यहाँ आकर के पुरस्कृत होते रहें। जी जी, क्या कहें इस पर? आज हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में हमें एक समाज की तरफ से ये संदेश जाएगा, जो शिक्षा का जो अधिकार है बाबा साहब ने हमें दिया है, ये हमारी नई प्योत प्यार हो रही है, जो छोटे बच्चे हैं वो शिक्षित होकर एक छोटे लेवल से बड़े अधिकारी बनेंगे और वो ये संदेश जाएगा समाज में भी शिक्षा का भी महत्व। क्या कहेंगे संत श्रोमणी रविदास सभा के द्वारा आज जो बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम के बारे में? इस जो कार्यक्रम है बाबा साहब का 133वां जन्मदिवस और इस जन्मदिवस को मनाने का हमारा एक उद्देश्य ये है कि बाबा साहब की एक सोच थी कि शिक्षा वो शेरणी का दूध जो पिएगा उतार, लेकिन हमारे तबे कुचले जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं वो कमज़ोर नज़र आते हैं, और बच्चों में हम कोई उत्साह पैदा करें इसके लिए हमने जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है। कितना सम्मान दिया जाएगा बच्चों को? स्कूल से ही रिलेटेड हम इनको सम्मानित करेंगे, कोई स्कूल की स्टेशनरी वगैरह नए कापी है, और आज हम संत शिरोमणी सभा की तरफ से एक अनाउंसमेंट ये करेंगे कि भी जो बच्चा प्लस टू में जुलाना को टॉप करेगा उसको नेक्स्ट पढ़ाई के लिए संस्था उसकी पूरी पूरी मदद करेगी। मतलब किसी भी समाज से हो सकता है या किसी भी समाज से? शिक्षा किसी भी समाज के लिए जरूरी है, जो जुलाना को टॉप करे इस तरह से सम्मानित करेगा नेक्स्ट सेशन के लिए जो ना संस्था उसकी पढ़ाई का कर्ज में जो ना पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। क्या नाम आपका? चरणदास। श्रोमणि गुरु रविदास सभा जुलाना द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है जयंती के अवसर पर, क्या कहेंगे सर? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो सीनियर हैं हमने हमको उनको देख के आगे बढ़ रहे हैं। संत श्रोमणी जो भी सभा है इसके द्वारा जो आज आयोजित किया जाता है टाइम टू टाइम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो हमारे छोटे बहन भाई होते हैं वो भी हमें देख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? नीतू। हेलो, ये जो श्रद्धा अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं बाबा साहब को आकर के अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं और फिर अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं।